हाय फ्रेंड्स, मैं हरंची परमार आपका स्वागत करता हूँ बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी CASF की जो भर्ती निकली है उसमें बम्पर वैकेंसियाँ हैं, और मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ कि जो लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से, तो मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को कि अभी जैसे कि आपको पता ही होगा मैं जॉब भी करता हूँ साथ में, तो थोड़ा बाहर जाना था, बिजी था, इसलिए हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो भर्ती आई है CASF की, तो उसमें आप लोगों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, बहुत अच्छा मौका है। और जो लोग हाई स्कूल पास हैं और जिनको लगता है कि हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे आगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि गवर्नमेंट नौकरी पाने का। तो मैं आप लोगों को थोड़ा उस भर्ती के बारे में बताऊंगा यहाँ पे कि जो CASF की भर्ती निकली है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, उसमें पेपर किस स्तर का आता है, और उसमें क्या क्या आपको स्टेप पार करना है, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें होना है, सबसे पहले क्या होना है, दौड़ होना है कि फिजिकल या मेडिकल या रिटर्न जो भी है, मैं आप लोगों को सब बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से हमारा वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊँगा आप लोगों के लिए कि भर्ती CISF है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको हम बोलते हैं। कई लड़कों को भी पता नहीं होगा जो कि भर्ती पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो एज मांगी गई है वो 18 से 23 साल है जनरल वालों के लिए, जिसमें OBC वालों के लिए 3 साल की छूट है, 5 साल की छूट उन लोगों के लिए है जो ST से आते हैं, बकाया आरक्षण के हिसाब से ST वालों को भी छूट दी गई है इसमें। तो ये भर्ती इतनी अच्छी होने वाली है कि अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो इसमें 100% चांसेस होने के हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और वैकेंसी भले ही ऑल इंडिया स्तर पर है लेकिन इसमें लड़के कम ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि आजकल जैसे कि पता है हर जगह लड़के कोचिंग खुल गई, तो अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ा उन्होंने सुधार लिया है। लेकिन अगर आप हाई स्कूल पास हो, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो वैकेंसी दी गई है जो कुक के लिए, यानी कि जिसमें आपको खाना बनाना होता है, बकाया कुक और ये कॉन्स्टेबल की लगभग जो लेवल है वो बराबर ही होता है, तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेबल को ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, सबको सब कुछ करना पड़ता है फौज में, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो कुक के लिए 315 वैकेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप लोगों को लगता है कि वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन मेरे हिसाब से वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लड़के कम ही अप्लाई करते हैं। दूसरी बात, इसमें जो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1/8/2019 से आपको 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस एज के हिसाब से। इसके बाद मैं सबसे पहले बताऊंगा, इसमें सबसे पहले होगा आप लोगों के लिए फिजिकल टेस्ट, तो आप लोगों को 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में करना है, जो कि आप आसानी से कर लोगे, थोड़ा बहुत भी अगर आपने दौड़ा होगा ना तो आप आराम से इसको पूरा कर सकते हो। इसके बाद फिर इसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे, जो कि आपको पता ही है डॉक्यूमेंट क्या क्या लेते हैं, अगर नहीं है पता तो आप इसमें कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट संबंधित वीडियो बना देंगे, जो कि आपने हमारे पिछले भी जो वीडियो देखे हैं SSC संबंधित, उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। उसमें हमने बाकायदा आप लोगों के लिए एक पंपलेट लगाया था, उसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट डला हुआ था, या फिर आप उसमें एक लिंक दी हुई थी हमने, उसमें भी खोल सकते हो, हमारे SSC के एक जो वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हो। इसके बाद आपका हो ट्रेड टेस्ट, अब ट्रेड टेस्ट बोले तो होता क्या है, यानी कि आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो वो चीज़ होता है, अगर आप कुक के लिए कर रहे हो, बार्बर के लिए कर रहे हो, बासरमैन के लिए कर रहे हो, या आप माली के लिए कर रहे हो, है ना, तो जो भी जितनी भी ट्रेड हैं उसमें आपको आता है वो चीज़ क्या नहीं आता है, वो आपका टेस्ट होगा। जैसे कि खाने वाले का टेस्ट है, तो वो आपसे खाना बना के पूछेंगे, यानी कि आपसे आटा मड़वाएंगे, जो भी है दाल सब्जी कुछ भी करवा सकते हैं, बार बार से कटिंग करा के देखेंगे। अगर आप धोबी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेस करवा के देख सकते हैं आपसे। तो जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग ट्रेड हैं, उसके हिसाब से आप लोगों का टेस्ट होगा, तो वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल पास करते हो और डॉक्यूमेंट में आप क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपको ट्रेड में पास होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आप आराम से पार कर लोगे। इसके बाद होगा रिटर्न टेस्ट, अब जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें योग्यता हाई स्कूल पास मांग रहे हैं, है ना, तो इसमें हाई स्कूल से ना कुछ आने वाला है नहीं, आप अगर आप छोटे से बच्चों को भी पढ़ाते हो, 7, 8, 9वीं तक के बच्चों को, तो आप आराम से पेपर पास कर लोगे, इसमें कोई जाना कुछ है नहीं, मतापच्ची। इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, तो मेडिकल टेस्ट के लिए हमारा एक वीडियो भयंकर अभी टेढ़ पे है, 20 दिन भी नहीं हुए और हमारा वीडियो 40,000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है, तो उसको आप देख सकते हो कि उसमें मेडिकल कैसा होता है। मेडिकल सबके लिए सेम होता है, मेडिकल में कोई कंजूसी नहीं, कोई कमी नहीं, आपको कंप्लीट मांगेंगे, वहाँ पर फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जाना नहीं पता तो हमारा एक वीडियो अभी है टेढ़ पर चल रहा है, उसको आप देख सकते हो हमारे लिंक पर जाकर। इसके बाद मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि इसकी जो डेट है, यानी कि अभी 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक इसका डेट है, आप डाल सकते हो आराम से, बहुत अच्छा समय है,
एक महीने का समय है, इसमें आपकी तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आप फॉर्म डालने के बाद घर मत बैठिएगा, उसके लिए आप तैयारी कीजिए, रिटन टेस्ट की भी तैयारी कीजिए, फिजिकल भी तैयारी कीजिए। क्योंकि लड़के ऐसे भी होंगे जो 36 में भी उनको दौड़ लगाने में प्रॉब्लम आएगी, सांस भर जाती होगी, तो आप सोचोगे खाने के लिए वो फिजिकल नहीं मांगेंगे, कोक के लिए नहीं मांगेंगे, बार बार के लिए सब में फिजिकल मांगेंगे भाई। तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखें कि फिजिकल की आप तैयारी करते रहें। बकाया और सारी वैकेंसी एयरफोर्स में एयरमैन की निकली थी, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी हम एक वीडियो जल्दी से आपके सामने लाएंगे, उसको बताएंगे कि उसको आपको कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, और मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अब हम हमारे वीडियो आपको डेली टू डेली मिलते रहेंगे। इसलिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।